तो आज हम जानने वाले हैं ये एनएसटी बेबी के लिए लाइफलाइन कैसी हो सकती है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज हम जानने वाले हैं एनएसटी ये बेबी के लिए एक लाइफलाइन रहती है, यानी कि जो बेबी ने जन्म नहीं दिया है, जो पेट में है, उनके लिए ये एक लाइफलाइन है। जी हाँ, मैं जो बोल रही हूँ ये एकदम सच बात है, वो बेबी के लिए लाइफलाइन है। एनएसटी यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। जब बेबी मूव करता है, हिलता है, हरकतें करता है, तो बेबी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इसका मतलब है बेबी को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, बेबी का ब्लड फ्लो अच्छा है और बेबी अंदर सेफ है। नॉर्मली देखा जाए तो बेबी की दिल की धड़कनें 120 से 160 की रेंज में रहती है। जब बेबी के दिल की धड़कनें एक मिनट में 120 रहती है तो वो भी नॉर्मल रहता है, लेकिन ये लो नॉर्मल रेंज है। और जब बेबी की दिल की धड़कनें 160 प्रति मिनट रहती है वो भी नॉर्मल है, इसीलिए 120 टू 160 ये नॉर्मल रेंज रहता है, ये ग्रीन जोन रहता है। और इस दौरान जब बेबी की दिल की धड़कनें रहती है तो ये एक अच्छी बात रहती है और ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जब बेबी मूव करता है, हिलता है और बेबी का ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही अच्छा रहता है, तो बेबी की दिल की धड़कनें बेस लाइन से 15 बीट से बढ़ जाती है, 15 सेकंड तक बढ़ती है और फिर नीचे आती है। मिसाल के तौर पे देखा जाए, जब बेबी की दिल की धड़कनें बेस लाइन धड़कनें 140 रहती है तो बेबी ने मूवमेंट करने के बाद वो दिल की धड़कनें तेज़ी से होती है और वो 155 तक जाती है, 15 सेकंड तक 55 तक रहती है और फिर वो नीचे आ जाती है। इसका मतलब है बेबी एकदम सेफ है, बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छा है, बेबी वेल ऑक्सीजनेटेड है। और जब ऐसा रहता है तो उसको हम एनएसटी रिएक्टिव कहते हैं, यानी कि सब कुछ ठीक है। अधिक जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देखिए और इससे जुड़े कोई सवाल रहते हैं हम तो हमें ज़रूर लिखिए। और आने वाले वीडियोस जो होम एनएसटी रिलेटेड है वो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।